छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी एवं पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता यादव ने सावन सोमवार के अवसर पर ग्राम गठेरवा में पार्थिव शिवलिंग निर्माण कराया और गांव की महिलाओं के साथ पूजन अर्चन किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं को सुहाग सामग्री वितरित की। इस कार्यक्रम में वृंदावन के कलाकारों ने भगवान भोलेनाथ के भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसने सभी का मन मोह लिया। इस दौरान ललिता यादव ने कहा कि हमने 10 साल इस क्षेत्र में सेवक बनकर काम किया है और आगे भी करेंगे। ना ही विकास में कोई कमी छोड़ेंगे और ना ही आप सबके सम्मान में कसर रखी जाएगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ललिता यादव ने कहा कि पार्टी ने उन्हें टिकट देकर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब ये चुनाव आप सबको लड़ना है। कांग्रेस की सरकार में सड़कें तक नहीं थी। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विकास के ऐतिहासिक काम कर रही है। ललिता यादव ने कहा कि 5 साल पहले छतरपुर विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने जहां छोड़ा था, आज भी वही है। कांग्रेस ने एक पैसे का काम नहीं किया। ललिता यादव ने गांव के प्रत्येक घर जाकर लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। इस अवसर पर ललिता यादव ने बताया कि गठेवरा में 668 महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, जबकि 204 किसानों को सम्मान निधि के रूप में सरकार से संबल मिल रहा है। इतना ही नहीं, गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से 198 लोगों को अपना घर मिल गया है और जल्द ही 113 लोगों के आवास मंजूर होकर काम शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर सचिव प्रदीप मिश्रा, जालम अहिरवार, देवेंद्र यादव सहित अनेक ग्रामीण व महिलाएं मौजूद रहीं। सहयोग करता तभी कर पाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी आपके ऐसे भाई हैं। सावन का महीना चल रहा है, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमें उसका समर्थन करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। जब चुनाव आता है तो कांग्रेस के लोग आ जाते हैं और कांग्रेस के लोग दुनिया भर की बातें करते हैं और वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी आपको लाडली बहना का सहयोग दे रही है, यहाँ पर हमारे किसान भाई, जो हमारे 204 किसानों को, 668 बहनों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है और 204 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी सरकार है जिन्होंने काम किया है, विकास किया है। यहाँ पर मकान 200 मकान बन गए हैं प्रधानमंत्री आवास। हम सब लोगों ने सोचा नहीं था कभी हमारे यहाँ पक्के मकान होंगे। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारी सरकार फ्री इलाज करा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में 34 लाख भाइयों का इलाज हुआ है। आप तालियां बजाते जाइए मोदी जी के नाम के और शिवराज सिंह चौहान के नाम के। मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो सरकार विकास करे, जो सरकार काम करे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।